हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमटीसी के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 116.60 की करंट प्राइस चल रही है और साथ ही साथ में स्टॉक अभी 13% ऊपर के लेवल पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में 207% के शानदार रिटर्न स्टॉक में देखने को मिले हैं। अभी भी स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ में 52 वीक हाई भी यहाँ पे इसने 120 पे लगा चुका है। अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हो, 1 डे टाइम फ्रेम में हमने सेट कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका था, एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमने बताया था यहाँ पे स्टॉक ऊपर की ओर बाउंस कर सकता है। वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, काफी अच्छी तेजी पिछले दो दिन से हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे ऊपर के साइड में भी एक अनदर रेजिस्टेंस लेवल था 98 से लेके 102 का। एग्जैक्टली इसी लेवल से स्टॉक पहले भी जो है हमें यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे चुका था 7 फरवरी 2024 में। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आज के दिन में देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो इसके चलते एक स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी हमें और भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं एमएसईडी इंडिकेटर की। एमएसईडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। जीरो लाइन के ऊपर भी जो है ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। इसके चलते स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे के सारे डिटेल्स आपको समझ में आ चुके होगी, तो चलिए अब हम चलते हैं टिकर टिप वेबसाइट पे। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर इनकेस फॉल भी होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के भी चांसेस इसमें रहेंगे, ठीक है। टिकर टिप वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में 207.65% के रिटर्न देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस इसका एवरेज देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर टिप वेबसाइट। और अनदर इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक करिए, तभी उसके अंदर एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में आपको रेड फ्लैग दिखाई देते हैं तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अगर आप स्टॉक को पहले से ही बाय करके होल्ड कर रहे हो तो काफी अच्छे प्रॉफिट में आप ऑलरेडी होंगे ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के और भी डिटेल्स के बारे में। स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है, जिसका मार्केट कैप 15,390 CR का देखने को मिलता है और यहाँ पे स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फोरकास्ट एंड रेटिंग की, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की, तो फोरकास्ट डेटा इज करंटली अनअवेलेबल बता रहा है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। अगर पीयर्स में यहाँ पे अगर हम प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो एमएमटीसी का ही ज़्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल चुका है, जो कि डार्क ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप उन वीडियोस को वॉच नहीं किए उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करिएगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।